दोस्तों, दुनिया को खबर भी नहीं हुई और भारत ने कर दिया एक बड़ा कारनामा। इस वीडियो में आप भारत का दिमाग देखेंगे, भारत के साइंटिस्टों का, और भारत का दिमाग देखेंगे कि भारत ने पड़ोसियों को बिना पता लगे क्या क्या कमाल कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज से, जिससे पड़ोसी चिंता में है। चीन है, पाकिस्तान है, इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसे मात दे सके। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में हैं। भारत का सुबैक्स 2 बनकर तैयार हो गया है। सुबैक्स 2 क्या है? ये दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर बॉम्ब है। कहा जाता है कि अमेरिका मदर ऑफ बॉम्ब और रसिया का फादर ऑफ बॉम्ब, ये दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब और ख़तरनाक बॉम्ब माने जाते हैं। लेकिन अगर इनकी ताकत को नापने का आकलन एक जैसा रखा जाए तो ये हमारा जो बम बनकर आया है सुबैक्स 2, ये दुनिया को हिला देगा। इसकी पावर, इसकी ताकत इन दोनों बॉम्ब से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दोनों बॉम्ब हमने मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जो बताए हैं, दोनों हेलीकॉप्टर या अलग अलग जगहों से गिराए जाते हैं। लेकिन हमारा जो बॉम्ब है इसे मिसाइल पे लगाकर दागा जा सकता है। ये साइज में छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। भारत की पावर के लिए, भारत की सेना के लिए ताकत तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट होने के बाद बहुत सारा रेमिटेंस भी भारत में लाएगा। बहुत ज़बरदस्त भारत की ये उपलब्धि है जिसे आप इस वीडियो में सुन रहे हैं। भारतीय होने पर गर्व हो, और अगर आप भारतीय हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगली खबर भी ऐसी ही है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हाँ, भारत का दिमाग बहुत तेज है। ये खबर क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल वेंजुएला एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ दिन पहले ही वेंजुएला से सैंक्शन हटाए, जिससे उसने कच्चा तेल बहुत कम कीमतों में बेचना शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिका और वेंजुएला में फिर से कुछ बात बिगड़ गई, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर फिर से सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन लगने की वजह से भारत और चीन दोनों ही उससे कच्चा तेल खरीद रहे थे। चीन ने तो वहाँ से मना कर दिया, लेकिन भारत ने कान को उल्टा घुमा कर पकड़ा। क्या था पूरा मामला वो आपको बताते हैं। अमेरिकी सैंक्शन लगे थे वेंजुएला पर, और वेंजुएला पर कर्ज है रसिया का। ध्यान दीजिएगा, वेंजुएला पर रसिया का कर्ज है। रसिया में भी कच्चा तेल निकलता है, लेकिन भारत ने क्या कहा कि आप वेंजुएला से कच्चा तेल खरीद लीजिए और इसे हमें दे दीजिए। इससे आपका कर्ज उतरा गया। जो आपकी कर्ज की किस्तें हैं उनके बदले आप वेंजुएला से कच्चा तेल खरीद कर हमें दे दीजिए। तो यहाँ पे डबल फायदा हुआ, मतलब रूस को फायदा हुआ, उसका लोन वापस मिल गया, भारत को फायदा हुआ, सस्ता तेल मिल गया, और भारत ने इसकी पेमेंट भी कैसे की, रुपये में। तो भारत को तीनों तरफ से फायदा हुआ। लेकिन ये बात पता लगी चीन को, तो चीन पहुंचा सीधा सीधा अमेरिका और कहा कि भारत इस तरह से आपके प्रतिद्वंद्वों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस काम को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि एक दूसरी जगह एनर्जी के सोर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। रसिया अपने लोन के किस्त के बदले वहां से ऑयल ले रहा है, उसे यूज़ करे या जो भी मर्जी करे, लेकिन वो भारत को कैसे बेचता। आपने देखा होगा जब आप कभी रोड किनारे जाते हैं, रोड पर जाते होंगे, तो बहुत सारे आपको पेट्रोल पंप मिलते हैं नयारा। ये एक रशियन कंपनी है जिसके भारत में 6,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं। यही कंपनी भारत में कच्चा तेल जो वेंजुएला से आता है उसे लाकर रिफाइन करके भारत में दे रही है, कच्चा तेल भी दे रही है। तो अमेरिका ने यहाँ पर ये कह दिया कि यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रतिबंधों को तोड़ती है, और भारत अपनी एनर्जी की खरीद रसिया से कर रहा है पहले की तरह। भारत पहले की तरह ही अपना कच्चा तेल खरीद रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन मुंह की खा कर रह गया। चलिए अगली और खबर आपको बताते हैं।
भारत का खजाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो बताएंगे आपको। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत में रेमिटेंसेस आ रहे हैं। रेमिटेंसेस की बात करें तो पिछले साल 2023 में $120 बिलियन का रेमिटेंसेस भारत में आया है। रेमिटेंसेस क्या होता है, जब कोई विदेशी भारतीय बाहर रहकर काम करता है और वो विदेश से फौरन से पैसा भारत में भेजता है डॉलर के रूप में, वो डॉलर भारतीय सरकार रख लेती है और उसके बदले रुपया उन्हें दे देती है या उसके परिवार को दे देती है, इसे बोलते हैं रेमिटेंसेस। पिछले साल $120 बिलियन का आया था, इस बार का जो आंकड़ा है 130 से 135 बिलियन का है। वहीं पर बात करें यूट्यूबर्स लोग, जो यूट्यूबर्स हैं जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, पिछले साल अगर बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ रुपये यूट्यूबर्स ने कमाए हैं, जो कि भारतीय सरकार के खजाने में डॉलर के रूप में गए हैं और उन्होंने वहां से रुपया यूट्यूबर्स को दिया है। तो ये भी यूट्यूबर्स भी एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं भारतीय खजाने को बढ़ाने के रूप में। भारतीय खजाना जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा भारत दूसरों से आँख मिला के और नज़र से नज़र मिला के बात कर सकेगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन के भी पार हो सकता है। फिलहाल पहली बार ऐसा है जब $654 बिलियन भारतीय खजाना हो चुका है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बात करें दुनिया में 180 ऐसी कंट्री हैं जिनकी टोटल GDP की अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन नहीं है, अर्थव्यवस्था टोटल 1 ट्रिलियन नहीं है। तो यहाँ पे भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर और भारत की इस बढ़ते दिमाग को देखकर, जो भारत आजकल हर तरफ लगा रहा है, भारत में इंडस्ट्री आ रही है, भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत का डिफेंस बढ़ रहा है और धीरे धीरे से हर तरफ भारत बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं। आज नहीं तो कल, अभी भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में भी बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत है, भारत के लोग हैं, आप हैं, हम हैं, सब हैं। ये सब हम सब की मेहनत से होता है, कोई अकेला इसका जिम्मेदार या कोई अकेला इसका उत्तरदायित्व नहीं है। किसी अकेले की वजह से ये नहीं हुआ है। हम सब चाहते हैं, हम सब की दुआएं, हम सब की मेहनत, हम सब का लगन भारत को आगे बढ़ने देखना चाहती है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है। तो ये भारतीय हैं, अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।